हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज अ एरर डिटेक्शन टेक्निक। आपकी इससे पहले हमने देखी थी चेकसम क्या होता है, कैसे आप उसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका सीआरसी। सो सीआरसी इज अ रिडंडेंसी एरर टेक्निक यूज टू डिटरमाइन दी एरर। एरर को फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है। इसके डिफरेंट स्टेप हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, इन सी आर सी टेक्निक अ स्ट्रिंग ऑफ एन जीरोज इज अपेंड टू द डेटा यूनिट। डेटा यूनिट के साथ एन जीरोज आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका सी आर सी रिमाइंडर जो होता है वो जनरेट होता है। सी आर सी रिमाइंडर सेकेंडरी द न्यूली एग्जैक्ट डेटा इज डिवाइडेड टू डिविजर से आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपका सी आर सी रिमाइंडर जनरेट होगा। उस रिमाइंडर को आप डेटा यूनिट के साथ अटैच करके अपेंड करके आप सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद रिसीविंग एंड पे वो फिर से डिवाइड होगा डिविजर से। उसके बाद अगर डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है, दैट मीन्स वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो रिजेक्टेबल होगा। तो ये प्रोसेस होता है, पूरा स्टेप आप देख लीजिएगा, सारे मैंने लिखे हुए हैं इसमें। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डिफरेंट इसकी कंडीशन है। स्टेप फोर ये है आपका, इसमें ये है। इसके बाद आपका ये एक प्रोसेस भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए डेटा, इसके साथ सी आर सी आपको जनरेट करना है, तो आप डिविजर करेंगे। ये सेंडर ये है आपका। सेंडर ने क्या किया, डेटा, डेटा के साथ सी आर सी एन बिट है, डिविजर हुआ। उसके बाद आपका सी आर सी जनरेट हुआ, वो सी आर सी आपका ऐड होगा डेटा के साथ, रिसीवर को मिलेगा, डिविजर करेगा। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दी ओरिजिनल डेटा इज 11100 एंड डिविजर इज 101। सपोज आपके पास जो ओरिजिनल डेटा वो ये है जो आपको सेंड करना है, एंड डिविजर आपके पास ये है। तो अब सबसे पहला स्टेप होता है सीआरसी। देखिए इसमें दो पार्ट इसमें भी होता है, एक सीआरसी जनरेटर होता है, दूसरा सीआरसी रिसीवर एंड पे आपका वर्क करेगा। सीआरसी जनरेटर यूज अ मॉड्यूल टू डिवीजन। फर्स्टली 30 आर अपेंड एट द एंड ऑफ द डेटा एज द लेंथ ऑफ द डिविजर इज 4th एंड इज नोन एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0 टू द अपेंड ऑफ द ऑलवेज। देखिए यहां पर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, डिविजर आपका ये है एंड सॉरी ये आपका डेटा यूनिट है, ये डिविजर है। तो डिविजर जितना होगा उससे एक कम जीरो आप इसके साथ ऐड अटैच कर देंगे, अपेंड। यानी ये चार वैल्यू थी तो आप यहाँ पर 3 जो है आगे ऐड कर देंगे। तो इसमें पहला यूनिट यही है कि आपका जो भी डेटा यूनिट होगा उसमें आप 3 एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो है, नाउ द स्ट्रिंग बिकम, अब देखिए स्ट्रिंग, अब जब 3 आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो आपके पास जो एक्चुअल ओरिजिनल डेटा था, देखिए ओरिजिनल डेटा हमारे पास जो है वो है 11100 ये था, एंड डिविजर जो था हमारे पास, डिविजर जो था वो था 1001 ये था। सबसे पहले आपके डिविजर में 4 है, 4 है, तो 4 से एक कम -1 यानी 3 आप इसके साथ अपेंड कर देंगे। तो अब जो आपके पास ओरिजिनल डेटा हो जाएगा, ओरिजिनल डेटा हम लोग काउंट करेंगे, वो हमारा हो जाएगा 11100 एंड 3 हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो पहला स्टेप था आपका, एंड दूसरा स्टेप ये है द रिमाइंडर जनरेट। आप क्या करेंगे, आप इसको डिविजर से डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको। डिविजर है आपका 1001 एंड 11100000। तो पहली फर्स्ट टाइम ये जाएगा तो 1001 आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसमें जो रिजल्ट जनरेट होगा वो आपका हो जाएगा 1 एंड 11। देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है ये कंप्लीट। देखिए सबसे पहले 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 है और ये भी 1 है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका बाइनरी सबट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो 0 - 1 जो होता है 1 हो जाता है, ये 1 एंड ये भी 1। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट ये 0 आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, देन 1 टाइम फिर से आपकी वैल्यू जाएगी तो 1001 हो जाएगा। फिर से आप इसे डिवाइड करेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे तो 0111 ये 0 हो जाएगा। 3 है या 4 है तो आप ये वाला 0 यहाँ पर उतर जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, तो 1001 फिर से आपका 1 टाइम ये चला जाएगा, 111 ये 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 1 टाइम फिर से जाएगा ये 1001 हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वैल्यू बची वो बच गई 111। अब ये 0 आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 1 टाइम ये चला गया 1001 जो आपका आउटपुट में बचा
वो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस अपेंड के साथ, मतलब जो ओरिजिनल डेटा है ये सीआरसी रिमाइंडर हो जाएगा आपका, सीआरसी रिमाइंडर आपका ये जनरेट हो गया, सीआरसी रिमाइंडर जनरेट हो गया, तो ये डिजिट आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने जो ओरिजिनल डेटा था, तो ओरिजिनल डेटा था 111000, इसके साथ 111 आप ऐड कर देंगे, तो 111000111, ये आपका एक्चुअल जो है नेटवर्क में जाएगा डेटा, नेटवर्क डेटा जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, रिसीविंग एंड ने क्या किया, ये डेटा आपका नेटवर्क पे सेंड कर दिया। अब रिसीविंग एंड पे भी यही प्रोसेस होगा आपका, वो फिर से क्या करेगा, जो डिविजर है वो उसके पास भी है, वो उसे डिवाइड करेगा, मीन्स ये डेटा आपको मिला है। अब डिविजर एंड पे देखिए, द फंक्शनैलिटी ऑफ सीआरसी चेक इज सिमिलर टू द सीआरसी जनरेटर, सीआरसी चेकर भी यही करेगा, तो क्या करेगा, व्हेन द स्ट्रिंग इज रिसीव एट द रिसीविंग एंड सीआरसी चेकर परफॉर्म द मॉड्यूल टू डिविजन, वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है देन डेटा इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो हमारे पास जो डेटा जो रिसीव हुआ है रिसीवर को, वो रिसीव हुआ है आपका 111000111, और इसमें जो डिविजर है वो आपका क्या है, डिविजर है आपका 1001। अब फिर से ये डिवाइड करेगा इसको 1001111000111, वन टाइम गया आपका 1001 आ गया आपका, यहाँ पर 111 बचा आपका, देन ये जीरो आपका यहाँ पर उतर जाएगा, वन टाइम ये भी जाएगा 1001 हो जाएगा आपका, 111 आ गया वन टाइम, अब ये वन यहाँ पर उतर जाएगा तो वन टाइम फिर से चला जाएगा आपका 1001 आ जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा ये 11, एंड ये वन आपका उतर जाएगा यहाँ पर फिर से वन टाइम चला जाएगा तो 1001, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये वन आपका उतर जाएगा, नेक्स्ट ये वन आपका आ जाएगा यहाँ पर वन टाइम ही चला जाएगा तो 1001, अगर आप देखें तो 0000 आ गया, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया यहाँ पर 0000, मीन्स जो डेटा है वो एक्सेप्टेबल है, मीन्स इसमें कोई भी एरर आपकी जनरेट नहीं हुई है, डेटा एक्सेप्ट कर लेंगे आप, तो यही आपका सीआरसी की कंडीशन होती है, मीन्स जो भी डेटा है पहले उसे क्या करेंगे आप, डिविजर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो सीआरसी रिमाइंडर होगा, उस सीआरसी रिमाइंडर को अटैच कर देंगे अपने डेटा के साथ, ऐड कर देंगे और उसको आप सेंड कर देंगे रिसीवर को, रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, वो भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद अगर टोटल रिमाइंडर जो है लास्ट में जीरो आता है तो दैट मीन्स एक्सेप्टेड अदरवाइज वो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस था सीआरसी का। थैंक यू स्टूडेंट।